सत श्री अकाल द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। पंजाब भारत ते दुनिया भर दीआं खास खबरां दे विच सब तो पहला ताज़ा खबरां ने जिहड़ियां ओह जाण लैणे आ। विदेशों दे विच फसे भारतीयों का मसला इस वेले बहुत भख्या होया क्योंकि भारतीयों नूं इधर आउण दी लोड़ है। उन्हां दे विच ज़्यादातर जिहड़े पंजाबी लोग ने जिहड़े कि गए हुए सी विदेशों दे विच टूरिस्ट वीज़ा ते जां फिर विद्यार्थी ने जिन्हां दे विच ते जां फिर अपने जिहड़े धीआं पुत्तरां नूं मिलण गए सीगे ज़्यादातर ने जिहड़े वड्डी उम्र दे लोग ने। सो अज जानकारी आई है कि बरतानिया दे विच फसे भारतीयों नूं देश वापस लिआउण दे लई एयर इंडिया दी पहली फ्लाइट अज लंदन तों रवाना होई है, मुंबई पहुँचूगी। इहदे विच 250 दे करीब विद्यार्थी ने ते बाकी ने जिहड़े होर यात्री नेगे जिहड़े 2 महीने तों बरतानिया दे विच ब्रिटेन दे विच फसे होए सी। ते होर भी जिहड़ियां फ्लाइटां ने उहनां दी वी इसां नूं जानकारी दे दईए। एयर इंडिया दीआं जिहड़ियां लंदन तों चलनियां ने 9 मई नूं लंदन तो मुंबई चलेगी, 10 मई नूं लंदन तो बंगलौर, 11 मई नूं लंदन तो हैदराबाद, 12 मई नूं लंदन तो बॉम्बे, 13 मई नूं लंदन तो अहमदाबाद, 14 मई नूं लंदन तो चेन्नई, 15 मई नूं लंदन तो दिल्ली। सो लंदन तो अमृतसर की कोई फ्लाइट नहीं है, इहदे विच अहम है 9 तो 15 मई तक उड़नगियां ते 4 लाख भारतीयों नूं एयरलिफ्ट करेगी एयर इंडिया। सिंगापुर ते खाड़ी देशों तो आया सी नागरिकां दा पहला ग्रुप, कल यानी कि पहली फ्लाइट है जिहड़ी उहो वापस आई। जदों फ्लाइट दिल्ली हवाई अड्डे ते तां डॉक्टरां ने इन्हां सारे जिहड़े यात्रियों का तापमान चैक किया, टैंपरेचर चैक किया ते मिशन वंदे भारत का नाम जिहड़ा रख्या होया। भारत सरकार ने इस मुहिम का भारतीयों नूं वापस मुल्क लिआउण दा, इहदे तहत 182 भारतीय बहरीन, 234 सिंगापुर तो, 168 ढाका तो, 152 रियाद तो भारत परत चुके ने। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इसकी जानकारी दी है। इस दे नाल ही भारतीय जल सेना ने भी मालदीव दे विच फसे अपने नागरिकां नूं वापस लिआउण दे लई जंगी जहाज़ भेजे ने। सो इस पूरे मसले ते असीं कल नूं इक खास रिपोर्ट कढ़ांगे क्योंकि बहुत सारियां सानूं क्वेरीज आ रहियां ने कि लोकां नूं पता नहीं लग रहा कि अप्लाई कित्थे करना है, किहड़ियां-किहड़ियां फ्लाइटां ने, किन्ने नंबर फ्लाइट है जां फिर किहड़ी वैबसाइट है। उह ते असीं जिहड़ा है तैयारी कर रहे हां रिपोर्ट दी ते कल नूं तुहाडे तक जानकारी पहुँचा देवांगे क्योंकि टिकटां ने जिहड़ियां बहुत ही तेजी दे नाल बुक हो रहियां ने। कई फ्लाइटां दे विच तां कोई भी टिकट बाकी नहीं बची है, जिन्नियां हुण 13 मई तक भारत सरकार ने प्रबंध किया, कह सकते हैं कि सारियां फुल होण दे किनारे ने। सो असीं जिन्ना जल्दी हो सकूगा असीं तुहाडे तक रिपोर्ट पहुँचावांगे। जलंधर तो खबर है, पंजाब के जलंधर तो, जिथे जलंधर प्रशासन इस गल की तैयारी कर रहा है कि विदेशों तो जिहड़े भी पंजाबी परतणगे उन्हां नूं असीं क्वारंटीन करांगे 14 दिन के लिए जां 21 दिन के लिए। इस लिए प्रशासन ने 1 दर्जन के करीब होटलों नूं क्वारंटीन लिए तैयार किया, पर होटलों का सारा खर्चा थानू खुद करना पएगा। प्रशासन ये कुछ नहीं करेगा, प्रशासन ने सिर्फ हदायत देनी है, तुहानू घरां दे विच नहीं जान देना, क्वारंटीन होटलों के रखना, पर पे तुसी खुद करना होएगा होटल का सारा खर्चा। जिहड़ा होटल मालकां दे दसण मुताबिक होटल के मैन्यू के मुताबिक लोगों को खाना दिता जाएगा, जे प्रशासन आग्या देगा तो जिहड़ी NRI पंजाबियों को शराब है जिहड़ी वह भी दिती जाएगी। तो इन्हां प्रवासी पंजाबियों को होटल भेजन तो पहला मैडिकल जाँच जरूर की जाएगी। तो हुण गल कर लैने उस खबर की जिहदी पिछले कई दिनों तो चर्चा हो रही थी कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह नूं बोन कैंसर हो गया, पर अज अमित शाह नूं खुद ट्वीट करके दसना पिया कि वह पूरी तरह तंदुरुस्त ने ते किसी बीमारी तो पीड़ित नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया के तहत अफवाहां फैलाई गई सी। दरअसल कुछ दिन पहला सोशल मीडिया के उत्ते अमित शाह के ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल होया सी जिहदे विच लिखिया सी कि अमित शाह नूं बोन कैंसर है, यानी कि उन्होंने दे वल्लों ही ट्वीट किया दस के इस खबर की अफवाह है जिहड़ी उह उड़ाई गई सी। पंजाब तो ये जरूरी खबर है, कैप्टन सरकार ने पंजाब दे विच झोने की लुआई है जिहड़ी उह 10 दिन पहला करन दा ऐलान किया है। लॉकडाउन के कारण मजदूरों की भारी कमी आउण करके कैप्टन साहब ने दस्सिया कि यह फैसला लिया गया। इस बार झोने की लुआई 10 जून तो शुरू हो जाएगी, जबकि पहला यह 20 जून शुरू होंदी है, जां नहीं तां 20 जून शुरू होनी सी। दीपक गोल TMT सरिया ऑटोमेटिक प्लांट विच बनिया होया 1966 तो तुहाडी सेवा विच।
सो हुण पंजाब भारत ते दुनिया भर की करोना वायरस अपडेट जान लैने आ। कल तक पंजाब दे विच 1731 ने जिहड़े करोना वायरस पॉजिटिव लोग पाए गए। अज किते ना किते घट गिणती है जिहड़ी उह नज़र आई है। पूरा जिहड़ा फिगर है उह आउणा बाकी है। पूरा अंकड़ा असीं तुहानूं खास रिपोर्ट दे विच जिवें दसदे हुंदे आ रोज़ाना सारे शहरां दी, उहदे विच असीं तुहानूं जरूर दसांगे। ते मौतां जिहड़ियां कल 29 सी पर अज 30 हो गईआं ने। लुधियाणा दे विच इक मौत होण दे नाल मौतां दी गिणती 30 हो चुकी है। कल तक 152 लोग ने जिहड़े उह ठीक हो चुके सी। अज होर लोकां दे ठीक होण दी खबर आउणी हाले बाकी है। पूरे भारत दे विच ये भी दोपहर तक दे आंकड़े ने 60,000 दे करीब लोग ने जिहड़े करोना पॉजिटिव हो चुके ने। 981 मौतां हो चुकियां ने। ठीक होण वालों की गिणती 17,000 तो वध है। पूरी दुनिया दे विच 276,000 तो वध मौतां हो चुकियां ने ते 39,00,000 तो वध चुके ने करोना पॉजिटिव COVID-19 के मामले। पंजाब दी खबरां विस्तार दे विच लुधियाणा दी ही गल कर लैने आ, जिथे अज एक होर मौत हो गई COVID-19 दे नाल। मृतक की उम्र 58 साल है। सेहत महकमे की जानकारी के मुताबिक यह हजूर साहब की संगत दे नाल परते सन। व्यक्ति नांदेड़ तो परते श्रद्धालुओं के हुण तक 1,000 तो वध जिहड़े करोना पॉजिटिव पाए गए ने। यह भी सेहत विभाग की जानकारी के मुताबिक। तो पंजाब दे विच करोना वायरस के नाल मरन वालों की गिणती इस एक मौत दे नाल हुण 30 हो गई है। तो यह बड़ी अहम जानने वाली गल है कि पिछले सत्त दिनों के विच 9 मौतां हो गई ने। जे 8 दिन की गल कर लिए तो यह 10 हो गई। 8 दिनों के 10 मौत, यानी कि दिनों के हिसाब नाल यह गिणती है जिहड़ी ज़्यादा हैगी है। दूजी खबर जलंधर तो है। जलंधर रैड जोन जिलों के ऐलाना गया है। केंद्र सरकार के वलों इतने भी करोना मरीजों की गिणती के लगातार जिहड़ा वाधा वह दर्ज किया जा रहा है। तो अज इतों खबर आई है कि पुलिस के प्रशासन के सामने ही इतने समाजिक दूरी दियां धज्जियां उड़ गईं। जदों प्रवासी जिहड़े मजदूर ने अपने सूबियां नूं वापस जाण दे लई रजिस्ट्रेशन करवाउण दे लई आए सीगे। डीसी दफ्तरे पहुँचे सी, मजदूर वड्डी गिणती दे विच पहुँचे सी। प्रशासन ते पुलिस ये दोवें जिहड़े विभाग हैगे ने इन्हां नूं कंट्रोल करन दे विच नाकामयाब रहे। समाजिक दूरी का कोई ख्याल है जिहड़ा वो नहीं रख्या गया। चंडीगढ़ तो खबर है जिथे अज 11 होर मामले सामने आए ने। कुल मरीजां दी गिणती 159 हो गई है। यह भी बापू धाम कलोनी दे विचों ही आए ने 11 दे 11। तो चंडीगढ़ के पिंड हलो माजरा दे विच एक मौत की भी अज जानकारी मिली है। प्रवासी मजदूर कंचन की मौत हुई है, पर हले मौत के कारणों की पुष्टि है जिहड़ी वो नहीं हो सकी है। सो पंजाब सरकार ने जिवें विद्यार्थियों के लिए ऐलान किया, 5वीं 8वीं 10वीं के विद्यार्थियों को अगलिया क्लासों के प्रमोट करने का ऐलान कर दिता है। यानी कि पेपर नहीं होंगे, सीधे तुम अगलिया जमातों के दाखिल कर ले जाओगे। पंजाब पुलिस के विवादित सबका DGP सुमेध सैनी नाल जुड़ी खबर है, जिन्हों की जमानत अर्जी से जज वलों फैसला सोमवार यानी कि 11 मई को सुनाया जाएगा। कल अदालत ने नोटिस जारी करके पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस दा पक्ष मंगया सी। ते अज अदालत दे विच सरकारी वकील, पीड़ित धिर दे वकील ते सैनी दे वकील, इन्हां तिन्नां दे विचकार तिखी बहस हुई। बहसबाजी तों बाद जज ने फैसला राखवां रख लिया ते 11 मई नूं अगली सुनवाई पा दित्ती है। कल जिवें आपां सारयां नूं जानकारी मिली सी कि सुमेध सैनी दे वकील सतनाम सिंह कलेर ने केस लड़न तों ना कर दित्ती है, क्योंकि सतनाम सिंह कलेर अकाली दल दे कानूनी सलाहकार भी ने अते गुरद्वारा जुडिशियल कमिशन दे चेयरमैन भी ने। सो सिख भाईचारे ने काफ़ी लानतां पाईआं जदों पता लग्गिआ कि सुमेध सैनी दे वल्लों सतनाम सिंह कलेर जिहड़े अदालत दे विच उन्हां दी जमानत अर्जी लै के पहुंचे ने। उस तों बाद रात नूं उन्हां ने ऐलान करता कि मैं कोई केस सुमेध सैनी दा नहीं लड़ांगा। तो उस तो बाद हुण अज हाईकोर्ट के सीनियर वकील APS दियोल सुमेध सैनी के वकील बन के अदालत में पहुंचे। पंजाब विच शराब के ठेके फिलहाल बंद रहेंगे। अज कैबिनेट के कुछ मंत्रियों ते आबकारी ते कर विभाग के अधिकारियों दरम्यान बैठक हुई, पर किसी भी सिरे नहीं चढ़ी हैगी। हुण सोमवार को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाई है ते मुख्यमंत्री के सामने नवी आबकारी नीति है जिहड़ी रखी जाऊगी। उस तो बाद कोई फैसला होएगा, पर फिलहाल शराब के ठेके बंद रहेंगे। एक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे के सारे किसानों को अपील की है कि नाड़ नू ना साड़िया जाए। कणक की जिहड़ी बची नाड़ हुंदी है खेतों के उन्हू ना साड़िया जाए, क्योंकि ये बच्चों के फेफड़ियां ते असर पाउंदी है। नाल ही COVID-19 के मरीज ने उन्हां दे ठीक होण दे विच वी ज़्यादा समा लगता है जे इस तरह के माहौल दे विच उह होणगे जिथे नाड़ दा धुआं उन्हां तक पहुँचे। क्योंकि जिहड़ी COVID-19 की बीमारी है वह वैसे भी सांह दे नाल जुड़ी हुई है, इहदे विच सांह घुटदा है ते फिर बंदे की मौत हुंदी है।
सिरसा तो खबर है जिथे पंजाब पुलिस ने वड्डी कामयाबी हासिल की है। भारत के सब तो वड्डे नशा तस्करां दे विचों एक रणजीत राणा चीता नूं गिरफ्तार किया है। अमृतसर का रहने वाला चीता 2019 अटारी तो मिली 532 किलो हैरोइन का मोस्ट वॉन्टड सी। ये जानकारी पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता ने दी है कि रणजीत राणा ते उसके भरा गगनदीप भोला नू हरियाणा के सिरसा के बेगू पिंड तो गिरफ्तार किया गया। चीता उत्ते 2018-2019 ICP इंटीग्रेटिड चैक पोस्ट अमृतसर के राही 6 रॉक लूण दियां खेपां दे रूप दे विच पाकिस्तान तो हैरोइन ते होर नशियां दी तस्करी करन दा शक भी हैगा। इस करके पुलिस इस दी भाल कर रही सी। इस दे बारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी खास तौर ते जानकारी दित्ती है। पंजाब पुलिस नूं शाबाशी भी दित्ती है। दीपक गोल TMT सरिया ऑटोमेटिक प्लांट विच बनया होया 1966 तो तुहाडी सेवा विच। पूरे भारत दीआं खबरां दे विच सब तो पहला तुहानूं दस दिंदे आं कि भारत सरकार ने COVID-19 दे मरीजां दे लई नवीं डिस्चार्ज नीति बनाई है। हस्पतालां दे विचों उन्हां नूं छुट्टी देण दे लई नवीं नीति बनाई है। सेहत मंत्रालय ने इहदे विच बदलाव करदिआं हुण ऐलान कीता है कि सिर्फ कोरोना वायरस दे गंभीर मरीजां नूं ही हस्पताल तों छुट्टी देण तों पहलां टेस्ट करवाना पएगा। हर किसी का टेस्ट नहीं होएगा जिहड़े गंभीर मरीज़ होणगे। पर सवाल उठता कि गंभीर मरीज़ों नूं छुट्टी क्यों दित्ती जाएगी? जां तां इह हो सकदा है कि जिहड़े गंभीर मरीज़ रह चुके ने उन्हां नूं ही जदों ठीक होणगे ते फिर छुट्टी देनी है ते उदों टेस्ट होएगा, हो सकदा इह कहना चाहुंदे होण। ते बाकी हल्के ते होर मरीज़ों नूं 10 दिनां दे विच छुट्टी मिल सकदी है ते उन्हां दा टेस्ट है जिहड़ा उह नहीं होएगा। पहला 24 घंटिआं दे विच 2 वारी टेस्ट नैगेटिव आउण ते डिस्चार्ज कर दिता जांदा सी। हुण गंभीर मरीजां दा भी जे एक टेस्ट नैगेटिव आया तां उहनां नूं हस्पताल तों छुट्टी कर दित्ती जाएगी। सेहत मंत्रालय ने मरीजां नूं हुण 3 हिस्सिआं दे विच 3 वर्गां दे विच वंड दित्ता है। पहला जिहड़ा हैगा हल्के जां बहुत ही हल्के केस, दूजा थोड़े गंभीर मामले ते तीजा गंभीर मामले। सो इह नवां जिहड़ा रूल है उह बणाया गया टेस्टिंग नीति दे विच। हालांकि भारत सरकार जां कोई भी सरकार दावे करदी है कि जिन्ने टेस्ट असीं वध करांगे उन्ना ही असीं इहते ज़्यादा कंट्रोल करन दे विच कामयाब होवांगे। भारत दे सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा कीता कि हुण तक पूरे भारत विच 15,25,000 लोकां दे टेस्ट किए गए ने, बल्कि इस तों भी वध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि साड़ी रोज़ाना टेस्ट करन दी समर्था 95,000 तक पहुँच गई है पूरे मुल्क दे विच। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे विशेष नुमाइंदे डॉक्टर डेविड नेबारो दे मुताबिक जुलाई दे अंत तक भारत विच मामले सिखर ते होणगे। इन्होंने NDTV नूं दस्या, NDTV दे नाल गलबात दौरान, कि भारत विच कोरोना वायरस दे मामले घट आए ने क्योंकि भारत ने छेती कार्रवाई की, पर देश दे विच जुलाई दे अखीर विच सिखर ते होएगी कोरोना वायरस मरीजां दी गिणती। उन्होंने कहा कि जदों लॉकडाउन हटाया जाएगा तां होर केस होणगे, पर लोकां नूं डरना नहीं चाहीदा। आउण वाले महीनां दे विच इन्हां मामलिआं दे विच वाधा होएगा, पर भारत विच इक स्टेबिलिटी स्थिरता आएगी। लॉकडाउन तों तुरंत बाद महामारी थोड़ी फैलेगी, इस तों बाद इह खत्म हो जाएगी। जुलाई दे अंत विच इक स्टेबिलिटी आ जाएगी, पर ठीक हो जाएगी। सो कॉन्ट्राडिक्शन लगती है सुनण दे विच कि जदों लॉकडाउन हटेगा महामारी ज़्यादा वधेगी पर स्टेबिलिटी आएगी, पर इह वी माहिर ने बोल रहे ने तां किसी तर्क तों ही बोल रहे होणगे। अगली खबर उन्हां विगड़ैल मुंडिआं दे नाल जुड़ी हुई है जिन्हां ने बॉयस लॉकर रूम नां दा इंस्टाग्राम ते एक ग्रुप बनाया सी। उस दी जांच SIT जां CBI तो करवाउण दे लई दिल्ली हाई कोर्ट ने पटीशन दायर कीती है। दरअसल इस ग्रुप दे विच नाबालिग लड़कियां दीआं अश्लील फोटोआं पा के भद्दी शब्दावली वरती जांदी सी ते लड़कियां दे नाल समूहिक बलात्कार दी साजिश वी घड़ी गई सी। पटीशन दे विच मुलजमां नूं गिरफ्तार करन दी मंग कीती गई है। इस सारे जिहड़े मुलजम ने उह नाबालिग मुंडे ने जिन्हां ने सिर्फ 11वीं ते 12वीं दे हले पेपर दिते ने, दक्षणी दिल्ली दे नामी स्कूलां दे विच पढ़दे ने। नामी स्कूलां विच जिहड़े हैगे ने अमीरां दे काके ही पढ़दे हुंदे ने। ज़्यादातर आपां जाणदे हां कि विगड़े मुंडे सीगे इह, विगड़े घरां दे अमीर घरां दे विगड़े काके। सो इस मामले ते सुनवाई है जिहड़ी 13 मई नूं हो सकदी है। बिल्कुल बिना शक इन्हां ते कारवाई होणी चाहीदी है। नाबालिग
कह के इन्हां नूं माफ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जो ये क्राइम करन जा रहे सी जां जिस तरीके की मैंटैलिटी ये लोगों के विच प्रचार रहे सी जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए है। ये कोई नाबालिग अवस्था दे विच कीती गई कोई गलती नहीं है, बहुत वड्डी गलती है। अगली खबर भी अमीरां दे नाल जुड़ी हुई है, जिहड़े देश नूं लुटदे ने उन्हां दे नाल जुड़ी हुई है, जिहड़े गरीबां दा धन लुट के ते फिर विदेशां च भज जांदे ने। भारतीय स्टेट बैंक की अगवाई हेठले 6 बैंकों के गठजोड़ 411 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी तो बाद रामदेव इंटरनेशनल दे 3 प्रमोटर देश चो भज गए ने। CBI ने इन्हां दे खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि SBI वालों शिकायत दर्ज करन तो पहला ही वह देश छड़ के भज चुके सी। CBI ने हाल ही विच SBI की शिकायत ते नरेश कुमार, सुरेश कुमार ते संगीता विरुद्ध केस दर्ज किया है। ये पछमी एशियाई देशों ते यूरोपियन देशों नू बासमती चौल बरामद करने वाली कंपनी के डायरैक्टर ने SBI ने दोष लाया कि इन्होंने 173 करोड़ का धोखा किया है। कंपनी के सऊदी अरब ते दुबई दे विच भी दफ्तर ने। SBI तो इलावा कर्जा देने वाले बैंकों दे विच कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया ते कारपोरेशन बैंक शामिल ने। अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस करके लॉकडाउन लग्या होने करके इस मामले च हाले तक छापेमारी नहीं की गई सी, पर वह विदेश किवें भज गए ने इस दी भी जांच होनी चाहिए है क्योंकि सरकारी शह तो बिना इस माहौल दे विच विदेश भजना कोई सौखा काम नहीं है। इस माहौल दे विच जदों फ्लाइटां बंद ने, सारे तरह की यात्रा बंद हैगी है और सिर्फ तो सिर्फ फ्लाइटां, चार्टर्ड फ्लाइटां शुरू कीतियां गई ने, उन्हां दी सेवा चल रही है कि जिहड़े इधर उधर नागरिक फसे हुए ने एक दूसरे मुल्कां दे विच, सिर्फ उन्हां दे वास्ते सहूलत है। तो ये ठग किवें भज सकते ने इस दी जांच भी होनी चाहिए है। भारत विच तेल दी मंग 46% घट गई है। इस साल पहलां दे मुकाबले पेट्रोल दी विक्री 60.6% घट के 0.97 मिलियन टन रही है ते डीजल दी खपत 3.25 मिलियन टन हुई जिहड़ी कि पिछले साल दे मुकाबले 55.6% घट है ते टोटल जिहड़ा 46% घटी है मंग। जम्मू कश्मीर विच दवाइयां ते जरूरी समान बनाउण वाले उद्योगां नूं शर्तां तहत उत्पादन करन दी इजाजत दित्ती गई है ते हुण उत्पादन कर रहे इन्हां उद्योगां नूं सहूलत दिंदिया सरकार ने देश की वड्डी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम नूं डोर टू डोर डिलीवरी करन दी इजाजत दे दित्ती है। यानी कि भारत पेट्रोलियम हुण पेट्रोल दी डोर टू डोर डिलीवरी करेगा, डीजल दी डिलीवरी करेगा, उहदी डिलीवरी करन दे लई व्हाट्सएप ते ऑर्डर देना पएगा लोकां नूं। अगली खबर तमिलनाडु तो है जिथे तमिलनाडु सरकार ने शराब की विक्री के बारे च मद्रास हाई कोर्ट के आदेश नूं सुप्रीम कोर्ट के विच चुनौती दित्ती है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने कल सारिया सरकारी शराब दीआं दुकानां नूं बंद करन दा आदेश दित्ता। क्या सी कि लॉकडाउन दौरान शराब की केवल ऑनलाइन विक्री होनी चाहिए है। हाईकोर्ट ने तर्क दिता सी कि शराब दी दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होंगी, शिकायतें मिली सी इस करके ये फैसला असं सुना रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि शराब कोई जरूरी वस्तु नहीं है तो इस दे लई इस दीआं दुकानां ते विक्री है जिहड़ी उह 17 मई तक बंद होनी चाहिए है। अदालत ने यह भी कहा कि शराब कोई जरूरी चीज़ नहीं है इस करके 17 मई तक जो तक लॉकडाउन का ऐलान होया उदों तक शराब की विक्री दुकानों के उत्तों बंद रखी जाए, सिर्फ ऑनलाइन की जाए। दीपक गोल्ड TMT सरिया ऑटोमेटिक प्लांट विच बनिया होया 1966 तो तुहाडी सेवा विच। सो हुण पूरी दुनिया दी खबरां दे विच सब तो पहला आपां जाणांगे कि कहड़े-कहड़े मुल्कां दे विच कोरोना वायरस दे सब तो वध लाग दे मामले ने, COVID-19 दे मामले ने। जाहिर तौर ते अमरीका दे विच 12 लाख तो वध चुके ने ते मौतां दी गिणती 76,000 तो वध चुकी है। स्पेन दे विच 2,22,000, इटली दे विच 2,17,000, ब्रिटेन दे विच 2,12,000, रूस दे विच 1,98,000, फ्रांस दे विच 1,96,000, जर्मनी दे विच 1,70,000 गिणती हो चुकी है COVID-19 तो पीड़ित मरीजां दी। ब्रिटेन दे विच 31,000 तो वध मौतां हो चुकियां ने ते इटली दुनिया दा तीजा ऐसा देश बन गया जिथे सब तो वध मौतां होईयां ने, 30,000 दे आसपास पहुंच चुकिया है आंकड़ा। सो अमरीका दे विच जिथे कोरोना वायरस ने अपना पूरा कहर मचाया होया है, नाल ही वाइट हाउस है जिहड़ा उह भी हुण सखणा नहीं रहा। वाइट हाउस दे विच अमरीका दे उप राष्ट्रपति माइक पेंस दी प्रेस सकत्तर कैटी मिलर अते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दी धी इवांका दी निजी सहायक यानी कि PA भी कोरोना तो पीड़ित हो गए ने। वाइट हाउस नाल जुड़े तीजे व्यक्ति नूं कोरोना होया हुण
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह व्हाइट हाउस दे विच फैल रहे कोरोना वायरस तो चिंतित नहीं हैगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धी इवांका ट्रंप का अपनी PA के नाल कई हफ्तों तो कोई सीधा संपर्क नहीं होया। पाकिस्तान तो है जिथे कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के बावजूद भी पाकिस्तान ने पाबंदियों में ढिल देने का फैसला कर लिया। राजधानी इस्लामाबाद पड़ावार ढिल दे दी गई है। हदायतों के नाल दुकाना ते कारोबार मुड़ खुलने शुरू हो गए हैं। शुरुआत के कपड़े जुत्तियों दुकाना ते छोटे व्यापारियों छोट दी गई है। शुक्रवार को 2000 तो वध नवे केस पाकिस्तान के आए सी ते कुल अंकड़ा 27,000 हो चुके हैं। मौतां 600 हो चुकियां ने। चीन तो आने वाले पत्रकारां लई अमरीका ने सख्त नियम कर दिते ने। सिर्फ 19 दिनों तक हुण रहण की इजाजत दी जाएगी। अमरीका ते चीन आपस दे विच कोल्ड वॉर एक तरीके दे नाल कर रहे ने, शब्दी जंग कर रहे ने, ते इन्हां दे बयान प्रति बयान आउंदे रहिंदे ने। अमरीका ने कहा कि यह कदम चीन जाण वाले अमरीकी पत्रकारां दे नाल होए रवैये दे जवाब दे विच चुक्या गया कदम है। नवे नियम जारी करदिआं अमरीका दे होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा है कि चीन दे विच आज़ाद पत्रकारी नूं दबाया जा रहा है। उन्हां कहा कि नवे नियम ने जिहड़े सोमवार तो लागू हो जाणगे चीनी पत्रकारां दे लई। पत्रकारां नूं सिर्फ 90 दिन इत्थे रहण दित्ता जाऊगा। मार्च दे विच दरअसल चीन ने कुछ अमरीकी पत्रकारां नूं मुल्क छड्डण दे लई कहता सी। इह पत्रकार चीन दे विच अमरीकी अखबारां दे लई काम कर रहे ने। इस दे एक महीने बाद अमरीका ने कहा सी कि उह चीनी सरकार वल्लों काबू किते 5 मीडिया आउटलैट्स नूं विदेशी दूतावासां दा दर्जा देणगे। इस तों एक दिन बाद चीन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल दे 3 पत्रकारां नूं कढ दित्ता सी, जिहदे विच 2 अमरीकी ते 1 आस्ट्रेलिया दा नागरिक सी। सो चीन ते अमरीका ने आपस दे विच जिहड़ा है सिंग फसाए हुए ने। इस करके IMF ने कहा हैगा कि चीन ते अमरीका ट्रेड वॉर दे विच ना उलझण। अजिहा करन नाल COVID-19 तो अर्थचारियां नूं बचाउण दीआं कोशिशां कमज़ोर हो जाणगीआं। IMF ने चेतावनी दिती है। कौमांतरी अर्थव्यवस्था की संस्था हैगी है। अमरीका ते चीन दोवां नूं चेतावनी दिती है कि ट्रेड जंग दे विच ना उलझो। शुक्रवार नूं दरअसल अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिता सी कि उह अमरीका चीन ट्रेड डील दे पहले पड़ाव नूं खत्म कर सकते ने हले कीता नहीं है। सो रॉयटर्स खबर एजेंसी के मुताबिक IMF की मैनेजिंग डायरैक्टर क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा है कि साल 2020 दे विच विश्वव्यापी आर्थिकता दे विच 3% कमी आने का अंदाजा लाया गया सी, पर कई देशों के आर्थिक अंकड़े होर भी हेठां हो चुके ने। चीन ते अमरीका जे अजिहा करनगे तां लॉस है जिहड़ा उह विश्व पद्धर ते होर भी हो सकदा है। यूरोपी देश है एक स्लोवेनिया, इत्थे दी राजधानी लुबियाना दे विच हज़ारां लोकां ने साइकलां ते लॉकडाउन दा विरोध कीता। साइकलां दे विच ते इन्हां ने मार्च कढ़िया। इत्थे इस देश दे विच 15 मार्च तो लैके लॉकडाउन है जिहड़ा उह लग्या होया है। 2 हफ्ते पहला कुछ ढिल दिती गई सी, पर उस तो बाद ढिल फिर वापस लै ली गई। तो लॉकडाउन उस तरह चालू है। जिहड़े प्रदर्शनकारी ने प्रधानमंत्री खिलाफ इल्जाम ला रहे ने कि महामारी के बहाने प्रधानमंत्री लोगों की आज़ादी से लगाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्लोवेनिया हुण तक 1450 मामले सामने आ चुके हैं, 100 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन एक सुनेहा भेजा, जिस विच उन्होंने महामारी नाल निपटण दे विच मदद करन दी पेशकश की है उत्तरी कोरिया। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नामी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक खबर छापी है कि किम जोंग उन ने कोरोना संकट से बड़ी मुश्किल नाल जित पाउण दे लई चीन नूं वधाई दित्ती सी, जिस लई राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हां नूं शुक्रिया कहा है ते लोड़ पैण ते मदद दा भरोसा भी दित्ता है। उत्तरी कोरिया दरअसल लगातार कहिंदा रिहा है कि उन्हां दे मुल्क दे विच COVID-19 दा एक भी मरीज़ नहीं है, ते अजिहा असीं सख्त पाबंदियां लाउण दे कारण साडे मुल्क ते कंट्रोल कीता है, असीं सरहदां बंद कर दित्तियां इस करके असीं कंट्रोल कीता। जबकि दक्षणी कोरिया दे खुफिया अधिकारी कहिंदे ने कि इह गल विश्वास करन योग है ही नहीं कि उत्तरी कोरिया दे विच एक भी मरीज़ ना होवे, क्योंकि उत्तरी कोरिया चीन का गुआंढी मुल्क है ते चीन दे नाल बहुत चंगे संबंध ने। ते ए हो ही नहीं सकता कि चीन तो उत्तरी कोरिया दे विच कोई भी ना गया होवे ते उत्तरी कोरिया तो चीन च ना आया होवे ते महामारी ना फैली होवे। दुनिया दे एक मशहूर जादूगर होए ने रॉय हॉरन, उन्हां दी भी कोरोना वायरस महामारी दे कारण मौत हो गई है। जोड़ी सी इन्हां जादूगरां दी जिहड़े काफ़ी सालों तक इकट्ठे काम करते रहे सी, जर्मन साथी सिगे सिगफ्राइड फिशबैकर। ये जदों अपना जादूगर
ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਖੇਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਗਰ ਰੋਏ ਨੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਿਰਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੈਵਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਇਕਸਾਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ IIBR ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੇਵੀਅਰ ਬੈਕੇਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 200% ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ $10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਲੋਅ BP ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ DEO ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸਣੇ ਕਾਫੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 1978 ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ BFUHS.ac.in ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ BFU ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ HSHealthScience.ac.in ਸੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 11 ਮਈ ਹੈ ਅੱਜ 9 ਮਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 10-11 ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ
बहुत बदल जाणगियां, की कुछ है जिहड़ा बदल जाएगा, जिहदी आदत लोकां नूं पै जाएगी। सब तो वड्डी गल है हथ मिलाउण दी। आम तौर ते इह हर इक, इह नहीं कि सिर्फ पंजाब दा कल्चर है जां भारत दा कल्चर है, दुनिया भर दे विच जिथे भी तुसीं देखो हथ मिलाउणा जिहड़ा खास तौर ते जिहड़ा मेल्स ने जिहड़े बंदे ने आपस दे विच जदों मिलदे ने तां हथ मिलाउणा उहनां दे विच शिष्टाचार दी इक निशानी है जां उहनां दे सभ्याचार दे विच शामिल है। पर हुण शायद 3-4 महीने हो गए जदों लोकां ने आपस दे विच हथ नहीं मिलाए होणगे, ते इक आदत है जिहड़ी उह बण गई है, ते इक लोकां दे विच जिहड़ा माइंड दे विच उह चीज़ है जिहड़ी उह वी घर कर जाएगी काफ़ी हद तक। जदों इस बीमारी तों पार लोक निकल जाणगे, 2020 तां इस तर्हां ही चलना है कि हौली हौली ख़त्म हुंदा जिहड़ा इस बीमारी दा असर ख़त्म होएगा, क्योंकि 2020 दे दिसंबर एंड तक ही अंदाज़ा लाया जा रहा है कि वैक्सीन उदों तक ही बनेगी। सो जो तक वैक्सीन बनेगी उदों तक हौली हौली ख़त्म होना इस बीमारी ने, तो उदों तक लोगों को आदत पै जानी है हथ ना मिलाउण दी। दूरों ही सत श्री अकाल जां हैलो हाय करके लोगों का जो कल्चर चेंज होया ये जरूर देखने को मिलेगा इस तों बाद भी, कि इस तरह ही रहेगा, क्योंकि हौली हौली मन चो ये गल्लां ने जिहड़ियां जाणगियां। उस तों बाद खाण पीण की गल आ गई। हुण तक तुसीं जिहड़े दफ्तरां दे विच भी काम करदे हो जां फिर आम भी घरां दे विच परिवार ने एक दूजे दे नाल खाणा खा लैंदे ने, कई वारी बच्चे ने सारे हो मिल के इक्को ही थाली दे विच खाणा खा लैणा, दफ्तरां दे विच भी सारा खाणा खोलिया एक दूसरे दे जिहड़े हैगे ने टिफिनस दे विचों बुरकियां लै के मतलब कट्ठे ही खाँदे ने सारे, पर उह अनहाइजीनिक हुंदा है। सो इह वी लोकां दे आम जीवन दा एक हिस्सा बण जाएगा कि साफ सफाई रखनी, साफ तरीके दे नाल खाणा, सुच्चा खाणा खाणा, हथ साफ करने। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि हाथ ज़्यादा नहीं साफ करते, उन्होंने खाना पीना खाधा टिफिन पैक किया आके काम से बह गए, या फिर घर भी होंगे कि हर कोई रोटी खाने तो बाद भी हाथ साफ नहीं करता, जां कोई भी काम करन तो बाद हाथ ने जिहड़े वो घट साफ किए जाते हैं, पर हुण ये लोगों की आदत दे विच जरूर है जिहड़ा वो शामिल हो जूगा। नाल ही घर भी परिवारों भी ये देखने को मिला कि हर कोई अपना खाना आप लैके खा रहा है, अपने बर्तन ने आप साफ करने यकीन रख रहा है, कि एक दूसरे परिवार के भी एक दूसरे मैंबर से घट यकीन है जिहड़ा वो हुण हो पा रहा है कि इन्हें पता नहीं सफाई नाल भांडा धोता होना या नहीं धोता होना, सफाई नाल मैंने दिता होना या नहीं। सो एक चंगी गल भी है कि हर कोई मर्द औरतां हर कोई अपना जिहड़ा है भोजन आप लैके खाणगे। बहुत जरूरी है अपने कपड़े पाने, दूसरों के कपड़े नहीं पाने, ये भी एक चंगी आदत जरूरी आदत दे विच शामिल हो सकता है। सादा भोजन छकना, इन्ना टाइम हो गया बाहरला बिल्कुल नहीं खाते, तो घर का खाना खाण करके लोगों के बीमारियां ने जिहड़ियां वो घट दिखिया ने। जिन्ना बाहरों खाओगे उन्नी थोड़ी सेहत खराब होएगी, थोड़ा मोटापा भी उन्ना ज़्यादा वधूगा, तो जिन्ना तुसीं घर का बनाया होया खाना खाओगे थोड़ा हैल्थ सिस्टम इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होएगा, तो साड़ी पाचन शक्ति है जिहड़ी वह भी वधेगी। ये सारिया चीज़ा ने जिहड़ियां लोगों को आदत पै जाएगी, क्योंकि लोग कितना कितने इस माहौल में इस समय में याद भी करया करनगे, दूसरों की जिहड़ी मदद करनी उहदी भी अहमियत है लोगों को, शायद बहुत सारे पता लग गई होएगी कि ढिड भरना कितना जरूरी है। जदों एहो जी कोई महामारी आउंदी है सिर्फ लोगों नूं ये फिक्र हुंदी है कि साड़ी जान बची रहे ते सानूं पेट भर के खाना मिल जावे ते दूसरियां नूं भी मिल जावे, उस वक्त ही आपां उस चीज़ की कीमत समझ पाउने आ कि रोटी खानी है जिहड़ी उहदी कीमत की हैगी है। हुण भी सारिआं नूं चाहे अमीर है गरीब है सब नूं पता लग गया सी कि इहनूं हासिल करना किन्ना औखा है। जदों एकदम करफ्यू होया, लॉकडाउन होया, सारिआं नूं घरां 'च बिठाता, सब्जी नहीं सी मिलदी, दुध नहीं सी मिलदा, किन्नी मुश्किल आउंदी है, फिर लोगों नूं इन्हां चीज़ां की कीमत का एहसास जिहड़ा वह जरूर कितें ना कितें होया कि वैल्यूएबल की है जिंदगी जीउण दे लई। सिर्फ पैसा थोड़े घर दे विच कमरे पैसे दे भरे पए होण पर थानू बाहरों सारा कुछ बंद होण करके थानू दुध दा एक पैकेट तक ना मिले, थानू सब्जी तक ना मिले, फिर की फायदा है उस पैसे दा। सो ये चीज़ां बड़ियां जरूरी हुंदियां ने, ते लोक ने जिहड़े थोड़े वह ग्रेटफुल भी होए ने इन्हां लोकां दे जिहड़े सब्जियां वेचण आउंदे ने, जिहड़े निक्के निक्के काम तुहाडे लई करदे ने उहनां दी वी एप्रीसीएशन है जिहड़ी वह लोक कर रहे ने। सो कितने ना कितने कह सकते हैं ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने, सुच संजम रखनी, सफाई रखनी, हाइजीनिक तरीके दे नाल खाना, ते हाथ नहीं मिलाउणा, फतेह बुलाउणी जां सति श्री अकाल बुलाउणी, ये कई लोग कह रहे हैं कि जिहड़ा गुरु का सिद्धांत है वो जिहड़ा हुण पूरी दुनिया अपना रही है, वड्डे वड्डे लीडर ने जिहड़े वो हाथ नहीं मिला रहे, हाथ जोड़ के सिर्फ खड़ रहे ने, ते खाना जिहड़ा हैगा वो
चंगे तरीके दे नाल साफ सुथरे तरीके दे नाल ते सुचम दे नाल खा रहे ने, सिर्फ अपना खा रहे ने। सो ये चीज़ां ने जिहड़ियां इह कहिंदे ने कि गुरु का सिद्धांत है जिहड़ा ओह शायद लागू हो रहा है। सो तुसीं सारे अपना ध्यान रखियो, परहेज़ रखियो, सुरक्षित रहो, दूसरियां दी मदद करते रहो। धन्यवाद। दीपक गोल्ड TMT सरिया ऑटोमैटिक प्लांट विच बणिया होया 1966 तो तुहाडी सेवा विच।